नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और इन दिनों दो बार पुलित्जर पुरस्कार जीत चुके पत्रकार फिलिप रकर और कैरोल लियोनिंग की हालिया प्रकाशित पुस्तक अ वेरी स्टेबल जीनियस में एक ऐसा दावा किया गया है जिसे लेकर के बवाल मच सकता है। दरअसल इस पुस्तक में लिखा गया है कि एक बार उन्होंने भरी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी से ये कह दिया था कि भारत की सीमा चीन से नहीं लगती है, और ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद नरेंद्र मोदी अचरज में पड़ गए थे और उनका भाव चिंता में बदल गया था। ट्रंप के एक सहयोगी ने बताया कि मोदी ने उस बैठक को बीच में ही छोड़ दिया था और मोदी के चेहरे के हाव भाव इस ओर इशारा कर रहे थे, मानो वह ट्रंप के बारे में कह रहे हों कि यह शख्स गंभीर नहीं है, मैं इस आदमी को एक साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। 417 पेज की इस पुस्तक में कहा गया कि इस वाक्य के बाद भारत और अमेरिका के साथ राजनयिक रिश्ते को एक कदम पीछे खींच लिया गया था। हालांकि अभी तक यह वाक्य किस मुलाकात का है इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ट्रंप की मोदी से पहले मुलाकात का ये वाक्य हो सकता है। अमेरिकी सरकार के पूर्व सलाहकार भी ट्रंप को कई बार खतरनाक तरीके से बेखबर होने की बात कर चुके हैं। ट्रंप सोचते हैं कि नेपाल भूटान भारत के हैं। पिछले साल ट्रंप ने कहा कि मोदी ने जापान के ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन में बैठक के दौरान कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए उनसे मध्यस्थता की मांग की थी, और इस बयान को लेकर के भी देश और विदेश के मीडिया के द्वारा, देश विदेश के लोगों के द्वारा काफी हैरानी जताई गई थी। वहीं बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा यह बात कही गई कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसा कोई भी मामला या ऐसा कोई भी मसला हल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मध्यस्थता की बात नहीं की गई थी। वही ट्रंप का यह बयान सामने आने के बाद भारतीयों ने गूगल पर भारत चीन की सीमा के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ है। लोगों ने दोनों देशों की सीमा के नाम, लंबाई और उस जगह के बारे में सर्च किया जहाँ पर वह भारत से मिलता है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद अनसुलझा है, और इसी को लेकर के शायद राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आया था जिसे लेकर के इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म है। तो अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।